नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं एबिन 24 न्यूज। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिजली का खंबा, जी हाँ, ये बिजली का खंबा जो कि किस तरीके से पूरा जल जाता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि मीटर लगे हुए थे जिनके आप ब्रैकेट्स देख सकते हैं, कितने सारे ब्रैकेट्स लगे हुए हैं और इन सभी पर मीटर जो है वो लगे हुए थे और किस तरीके से तेज जो है एकदम से जो है शायद स्पार्किंग होती है या क्या होता है, उसके बाद एक एक करके सारे मीटर जलने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर फिलहाल देख लीजिए, अभी भी लगातार इसमें से धुआं निकलता हुआ नज़र जो है वो आ रहा है, आप देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर, और काफ़ी तेज़ जो है जो आग है वो भड़कती है, जिसका वीडियो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। लेकिन बहुत बड़ा बचाव हो गया है क्योंकि इस जगह पर काफ़ी सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी और काफ़ी तेज़ जो है वो आग निकलती है इसमें से, जिसके बाद जितने लगे हुए मीटर हैं वो सब के सब जलकर राख हो जाते हैं। आप देख रहे हैं जो मीटर है वो दोनों ही तरफ लगे हुए थे। इस समय हम एक पौश इलाके में खड़े हैं, करनाल के जो कि सेक्टर 7 का पौश इलाका है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि पार्किंग भी लगी होती है, यहाँ गाड़ियाँ लगी होती हैं, लेकिन किस तरीके से ऊपर तक जो है आग फैलती है। यहाँ पर कुछ लोग भी जो यहाँ के निवासी हैं उन्होंने जानकारी दी कि काफी तेज भयंकर आग जो है इसमें लगती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर, ये कितने बजे आग लगी थी और कैसे हुआ ये? ये सर पूरे 2:40 के आसपास आग लगी है सर। जी जी। और मैं तो जैसे ही बाहर निकला मैंने देखा भाई आग लगी है, 1 मीटर में लगी हुई थी। जी जी। तो फिर मैंने फटाफट उनको बिजली बोर्ड में कंप्लेंट की कि ऐसे ऐसे जी आग लगी है फटाफट। तो उन्होंने जो 1912 का नंबर दे दिया, 1912 में कंप्लेंट दी। फिर SDO साहब को मैंने कहा मैं सर फटाफट यहाँ भी लाइन ऐसे भाई बहुत आग लगी हुई है, आप मीट पीछे से ना लाइन बंद करवाओ, ठीक है, जान माल का नुकसान हो सकता है ताकि किसी का नुकसान ना हो। जी 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 जी। वो उसी यहाँ पर गाड़ियाँ भी बहुत सारी खड़ी हुई थी उस समय। हाँ जी सर, गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी हुई थी, सबकी मैंने गाड़ियाँ हटवाई ताकि भी किसी के भी नुकसान ना हो, और सबके मेन स्विच बंद करवाए ताकि भी अंदर भी किसी की हानि ना पहुंचे। पहले कोई मतलब कोई स्पार्किंग वगैरह हुई थी जिस वजह से आग लगी है? नहीं सर, वो मुझे मालूम नहीं, मैं तो बाहर आया सर। तो आपने अपनी आंखों से देखा कि ऐसे मीटरों में आग लगनी शुरू? हाँ जी सर, पहले 1 में लगी हुई थी, साथ की साथ सारे मीटरों में लगती रही, पूरे के पूरे 12 मीटर यहाँ जल के राख हो चुके, वो जो नज़ारा है आपके सामने है सर। जी 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 जी। आपने बहुत तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि कितनी भयंकर आग लगती है, ये देख लीजिए। ये वीडियो खुद जो है यहाँ पर जो निवासी हैं सामने ही जिनका घर पड़ता है उन्होंने ये वीडियो बनाया, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भयंकर आग लगती है। मैं आपको दोबारा जो है दिखाने का प्रयास करता हूँ कि कितनी भयंकर आग लग जाती है, ये देख लीजिए। और उसके बाद अचानक से जो गाड़ियाँ हैं उन्हें हटाया जाता है, जिस तरीके से आप सभी से निवेदन करेंगे ख्याल रखें अपने आसपास घर के, क्योंकि इस तरीके की आग में जो है कई बार आसपास ज़्यादा नुकसान हो जाता है। हालाँकि नुकसान जो है वो फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि जो बता रहे हैं कि जो संबंधित अधिकारी हैं उन्हें जानकारी दी गई, वो मौके पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने जल्दी ही जो है यहां पर सभी मीटर लगाने के लिए दोबारा से नए मीटर जो है वो मंगवा लिए गए हैं। आपने जानकारी दी थी बिजली विभाग में उसी समय आपने? हाँ जी सर, मैंने उसी समय SDO साहब को फोन कर दिया था, उन्होंने तुरंत अपने कर्मचारी भेजे और उन्होंने आते ही कार्रवाई शुरू करी, आग बुझाने की कोशिश की, फटाफट उन्होंने 2 मिनट में आग बुझाई है जी, पूरी कोशिश। तो एक थोड़ा बचाव रहा है कि जानी तो सर पूरा बचाव रहा है, अदरवाइज बहुत ही जान माल अंदर भी हो सकता था, नुकसान घर का अंदर भी नुकसान हो सकता था सर, पूरे पटाखे बजे हैं बहुत जोर जोर घर के अंदर भी पटाखे बजे नहीं सर बाहर, लेकिन बाहर जो है काफी तेज ब्लास्ट की आवाज। हाँ जी सर, बाहर पूरी आवाज आ रही थी, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था, यहाँ पूरी भीड़ आपके भी घर के अंदर क्या कोई ऐसी? हम तो हमारे बड़े भाई साहब हैं। जी जी जी। इनका फोन आया तुरंत, हम तो भागे चले आए करके। आपका भी घर सर यहीं पड़ता है? सामने घर है। सामने ही है। हाँ जी। तो यहाँ पर जो है फिलहाल आपको बता दें कि बचाव रहा है, इसलिए आपके भी आसपास कभी कोई भी ऐसी दिक्कत होती है या कहीं पर कोई ऐसी आप देखते हैं कि ऐसी कहीं आग लगी है तो आप तुरंत जो है विभाग में जानकारी दें। हालांकि जल्दी ही जो है नए मीटर्स यहाँ लगा दिए जाएंगे और कोई नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है। आप सभी से अपील करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।